मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डूंगरपुर में भी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सीएम का स्वागत किया। संबोधन के दौरान मंच पर मंत्री रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा, अर्जुन लाल बामनिया सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासियों के हर संभव विकास के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। कांग्रेस ने विकास की हर योजना का शुभारंभ इसी अंचल से किया। इस दौरान सीएम ने डूंगरपुर में 2 एसडीओ ऑफिस खोलने का भरोसा दिलाया है। सीएम ने इस दौरान किसान कर्ज माफी योजना का भी जिक्र किया। साथ ही उद्योगपतियों के कर्ज माफी पर केंद्र से सवाल पूछते हुए कहा कि अगर उनका कर्जा माफ हो सकता है तो किसानों का भी कर्जा माफ हो। देखिए अभी तो शुरुआत हुई है, अभी हमने किया है, बैठे गए हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। हम लोग शुरू हो गई है, परसों से हमारी विधायकों की बैठक भी है और 27 से सत्र शुरू होगा। पहले प्रस्तुत किया जाएगा और सभी पदाधिकारियों आने वाले वक्त में स्वागत स्वीकार करते हुए तरीके से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राष्ट्र विकास के सभी पदाधिकारियों से और जन कल्याणकारी योजना के आयोजन के लिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी।